हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो मैं आज नया स्पेशल आइटम बनने जा रहा है, आप लोगों का साथ में शेयर कर रहे हैं। आप लोग देखो कौन सा स्पेशल आइटम बनाता है। अभी मैं पंजाबी आटा बनाएगा। पंजाबी आटा किससे होता है पहला वो देखने का, पंजाबी आटा कैसा बनाना पड़ता है, कौन सा जानने चाहिए, कैसा मशीन फिट करने का, सब कुछ बताएगा। मैं अभी देखो यहाँ पे मैं शरबती व्हीट लिया, दो गुनी लिया, देखो शरबती व्हीट। एंड इसमें देखो 20 किलो करके दो गुनी लिया। तो मैं 40 किलो आज पंजाबी आटा बनाएगा शरबती व्हीट से। शरबती व्हीट से दो आइटम होता है, एक शरबती आटा होता है फाइन एकदम, तो ये होता है दो नंबर जाली से थोड़ा सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है ये, तो थोड़ा मोटा करने का। जब रोटी बनाएगा आप लोग हाथ बनने के लिए, पराठा बनाने के लिए, इसमें सब कुछ यूज होता है मोटा आटा। तो इसको मोटा आटा बोलते हैं, कोई पंजाबी आटा बोलते हैं, दो नाम बोलते हैं और एक नाम बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा हम लोग किधर ओमान में पंजाबी आटा बोलते हैं, कोई कोई मोटा आटा बोलते हैं। तो अभी मैं कैसा बनाना पड़ता है वो आप लोग को बताएगा पूरा। पहला मशीन फिट कर देगा, और मशीन फिट करने का पहला इसको चार से जरूरी है, ये है कि वायर वाला ब्रश चाहिए। देखिए एक ब्रश चाहिए एंड ऐसा वाला एक पतला वाला, देखो ये ब्रश है, ये क्लीन करने के लिए ज़्यादा काम में आता है। और एक ऐसा प्लेट, प्लेट वाला देखो ये जो है प्लेट बोलते हैं, इसको टेस्टर बोलते हैं, तो ऐसा एक चाहिए। तो ये चार चीज बहुत जरूरी है, ऐसा ग्राइंडिंग मशीन जिसके पास है, लेकिन ये चार चीज लेने का, ये बराबर सफाई करने का, हर चीज बनाएगा आप लोग ये इसको सफाई जरूरी होता है एक एक आइटम का। तो ये चार चीज जरूरी है। तो अभी मैं तो हमेशा छोटा मशीन यूज करता है, वो जो ये छोटा मशीन है वो यूज करता है डेली, छोटा छोटा आइटम बनाता है। तो आज मैं ग्राइंडिंग का बड़ा मशीन चालू कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मशीन चालू करने का नहीं देखते हैं। तो अभी बड़ा मशीन चालू कर रहे हैं, कितना मिनट में बनेगा ये आप लोगों को बताएगा। अभी चलो मशीन फिट करेगा। मशीन फिट करने का पहला उसको मोटा आटा बनाने के लिए दो नंबर चालू चाहिए, यहाँ पे है देखो दो नंबर जाली चाहिए। तो देखिए वो फिट कर रहे हैं कैसा, ये आराम से फिट होता है, बड़ा आसान हो जाएगा। तो काट में बराबर देने के बराबर पूछ करेगा तो फिटिंग हो जाएगा। बराबर किलिंग है, कपड़ा से सफाई करना पड़ता है तो ऐसा किलिंग लगने का। तो ये है ऐसा नहीं लगाने का, इसको हवा जाने के लिए, गर्म हवा जाने का। तो इसको हमेशा ऊपर तरफ रखने का, मशीन जिसको पास है तो बराबर फिट करने का। और में चार बोल्ट है देखो, चार बोल्ट आराम आराम से टाइट देने का, पहला पूरा टाइट देने का ऐसा आराम आराम से टाइट देने का, पहला चारों लास्ट में एकदम चेक करने का पूरा टाइट हो गए नहीं हो गए बराबर करके। ये एक साथ में टाइट देगा तो बराबर कितनी नहीं होगा। तो आराम आराम से थोड़ा टाइट देने का, पहला थोड़ा थोड़ा अभी हो गया, अभी बराबर एकदम टाइट देने का बराबर करके थोड़ा जोर लगा के, क्योंकि जोर लगेगा बहुत मुश्किल होता है टाइट लगने का, ढक्कन भी फट जाएगा, मशीन का भी प्रॉब्लम आएगा, सामान भी बाहर जाएगा। इसलिए अभी मशीन फिट हो गएगा, अभी मैं बैग लगाएगा। देखिए ये 60 किलो का बैग है, वो लगाएगा अभी। इसको लगाने के लिए डुअल में चाहिए, तो
जब दो आदमी नहीं है तो आप लोग अकेला कैसे बीट करता है वो भी मैं देखा है, अकेला बीट करने का। देखो आराम से हो जाता है, लेकिन दो आदमी है तो अच्छे है। इसको बराबर टच करना पड़ता है ये बैग को, कि वो बड़ा मशीन, इसको स्पीड बहुत है, हवा बहुत होता है इसको, तो इसलिए दो ऑप्शन है, नीचे ऊपर है, तो ये भी बांधना पड़ता है इसको। तो हो गया मेरा बैग फिटिंग। बैग फिटिंग करने का पहले ऐसा लगा प्लास्टिक देने का बराबर उसको नीचे, फिट नहीं होने के लिए बैग को कुछ लगने के लिए फ्रेश रखने का। तो मशीन फिट हो गया मेरा, अभी मशीन फिट हो गया, अभी चालू करने का कैसे है। मशीन स्टार्ट देगा तो आप लोगों को ग्राइंडिंग मशीन स्टार्ट देगा तो मालूम नहीं होता है, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी येलो कलर में ही है मेरा मशीन, 5 का ऊपर है, मतलब 6 में है। जब स्टार्ट करेगा ये 10 का नीचे जाएगा ग्रीन कलर तक, कि वो ज़्यादा हीट नहीं देने का आटा को, कि वो मोटा हो रहा है, वो ज़्यादा हीट देगा जल जाएगा, इसलिए 10 का नीचे 9 में लगना पड़ता है, तो इतना में। और यहाँ पे रेड कलर का है बंद करने का, ग्रीन कलर का चालू करने का, तो चालू करेगा मैं अभी बाद में, पहला आइटम डालने का बाकी में। आप लोग देखो कितना फ्रेश आइटम है, देखिए जी ये कितना फ्रेश आइटम है। तो ये शरबती ऑयल से दो आटा होता है इसमें, एक फाइन होता है, फाइन आप लोगों को मैं देखा है, ये मोटा होता है, मोटा स्पेशली चपाटी थोड़ा हार्ड होने का, बाद में इसमें से पराठा बनता है, सब कुछ बनता है इसमें, बड़ा वड़ा बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए मोटा आटा ज़्यादा यूज़ करता है। तो अभी मैं मार्केट में आता है, देखो दो बैग का 40 किलो है, तो अभी 40 किलो भेजेगा कि कितना टाइम लगेगा भाई आप लोगों को मैं बताएगा लास्ट में। अभी हो गया मेरा इसमें 40 किलो, तो मैं अभी स्टार्ट दे रहा हूँ, आप लोग देखो जरूर।
देखिए जी कितना अच्छा आटा हो गया है, एकदम फ्रेश है। ये पंजाबी आटा है, थोड़ा मोटा है, इसको मोटा आटा बोलते हैं, ज़्यादा आदमी लोग पंजाबी बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं इसका, लेकिन अच्छा आटा है, थोड़ा सा मोटा है। तो ये फ्रेश आटा है, थोड़ा जितना आप लोग इसको धूप में सुखा के हार्ड करेगा इतना अच्छा फ्रेश आटा निकलेगा, लेकिन सॉफ्ट नहीं पीसने का मशीन में, कभी हार्ड करने का बराबर सुखा के। तो यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिलता है आटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक आइटिंग पूरा ग्राइंडिंग करता है। तो हर चीज यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं आप लोग का बताया है, तो ज़रूर दूसरा आदमी के पास शेयर करिए जी, एंड सब्सक्राइब करो कि वो मैं नया नया आइटम बना रहा है, इंडिया में कितना आइटम है किसी को भी मालूम नहीं होता बहुत आदमी को, तो यहाँ पे मैं ग्राइंडिंग कर रहा है आप लोगों को मालूम रहेगा, ये आइटम का ये नाम है, ये आइटम का ये नाम है, सब आइटम का मैं पिछले के टाइम आप लोगों का नाम बता रहे। तो आप लोग जरूर शेयर करिए, लाइक करिए मेरे को, सब्सक्राइब करिए, दूसरा आदमी को भी शेयर करिए। तो हमारा जो मार्केट में यहाँ पे जितना आदमी है और लोगों का पास भी शेयर करने का कि वो लोग यहाँ पे फ्रेश आइटम कितने मिलते हैं लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके दूसरा आदमी के पास शेयर करेगा तो पता चलेगा जितना आदमी मार्केट में है। तो हमारा व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल है, आप लोग को वहाँ से बात करके किधर दुकान है, किधर लोकेशन है, आप लोग आ सकते हैं। फिर भी मैं एक ही लोकेशन बता रहे, मस्केट वादी कबीर अल हसन का ओपोजिटिव है, अल हसन आप लोगों के पास नहीं आएगा तो हमें उतर देगा। तो यहाँ पे है मस्केट वादी कबीर अल हसन इंडियन स्कूल का ओपोजिटिव, ये हमारा दुकान है अभी। तो ओके जी, मेरे को अभी दूसरा नया आइटम मिलेगा नया वीडियो में। ओके जी, सलाम वालेकुम। दुकान का तो डिटेल पूरा दिया है, हमारा दुकान में आ जाए जी, फ्रेश आइटम है हमारे सब कुछ आइटम, तो आप लोग ज़रूर हमारा दुकान से आके लेके जाए जी, यहाँ पे सब मिलेगा, आप लोग ज़रूर आइए, हमारा दुकान का नाम वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पे है, सेम डिटेल में आके हमारा दुकान से लेके जाए जी। ओके, बाय बाय।